अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं 10 मिनट में ही बनकर तैयार होने वाला मैगी सूप, जिसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने गैस ऑन कर उस पर कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें हम 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे और पानी में पानी 2 गिलास मैंने ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, एक शिमला मिर्च, 6 बीन्स की फली, 2 छोटे साइज के गाजर। सब्जियां आप अपनी मर्जी से, मनपसंद सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जियां आपको पसंद है। सब्जियां ऐड करने के बाद इसमें हम एक मैगी की पैकेट ऐड करेंगे, 10 रुपए वाली इस पर, और 2 मैगी मसाला मैजिक की पैकेट हम इसमें ऐड करेंगे। जो इसमें से मसाले की पैकेट आते हैं वो भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारी सब्जियों को और जो मैगी की पैकेट में मैगी के पीसेस को आप छोटे टुकड़ों में कर डालिए, ताकि पीते वक्त वो बिल्कुल बड़े वाले साइज़ के मैगी ना आए। इसीलिए छोटे पीसेस में कर इसे डालिए, तोड़कर पानी में एक अच्छा सा उबाल आने तक इसे पकाएंगे। पानी में एक अच्छा सा उबाल आ रहा है, इसमें हम आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिए। मैं 1/2 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे। इसे डालकर अच्छे से पका लेंगे हम। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें टमाटर केचप ऐड करेंगे। दो छोटे चाय के चम्मच इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर 1 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे। 1 मिनट तक अच्छे से हमारे जो हमने इसमें टमाटर केचप और सोया सॉस डालकर इसे अच्छे से पका लिया है। 2 छोटे चाय के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर पाउडर लेकर थोड़े से पानी में इसे अच्छे से घोल लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर इसमें ये डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसे डालकर मैंने अच्छे से पका लिया है 1/2 मिनट तक। आप अपनी मर्जी से इसकी थिकनेस जितनी भी आप इसमें थोड़ा सा घट या थोड़ी सी पतली रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप ऐड कीजिए। ये देखिए, गर्मा गर्म सूप हमारा बनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। ये देखिए, सूप को मैंने इस बोल में निकाल लिया है। बिल्कुल कम टाइम में, 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाने वाला हमारा मैगी का सूप बनकर तैयार हो चुका है। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड कीजिए, जो भी सब्जियां आपको पसंद है, और इसे ज़्यादा मत पकाइए। सब्जियों में हल्का सा क्रंचीपन रहना चाहिए, तभी हमारा सूप का एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।